There are certain questions, and I just want to put out those questions right now on our screens. What could be next for the farmers? Credibility of the farmers' movement, which has been severely dented, will they be able to, in fact, bring that credibility as far as these ongoing protests are concerned? Violence that took place, whether it is taking away the perceptional support as far as the farmers are concerned, has it given the incidents of yesterday, the turn of events, have they given any sort of upper hand to the government of India in their negotiations? For how long will the farmers be able to sustain the protest now? And will this, the violence that took place on the streets of the national capital, the biggest hurdle for any kind of talks or any kind of middle way between the government and the farmers? Before I go across, before I move on, I am now being joined, I've been told, by Mr. Bhanu Pratap Singh. He is the leader of Bharatiya Kisan Union, Bhanu. They were protesting at the Chilla border and they have now taken their support back as far as the farmers' protest is concerned. Mr. Bhanu, बहुत बहुत शुक्रिया भानु प्रताप जी आपका हमसे बात करने के लिए. मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूं, आपने आज समर्थन वापस ले लिया है, क्या कारण रहे आपके समर्थन वापस लेने के इस पूरे दो महीने के प्रोटेस्ट से? ऐसा है, जो कल गणतंत्र दिवस पे है, कुछ लोगों ने जो लाल किले पे दूसरा झंडा फहराया रोज करते और हमारी आत्मा दुखी, ये लोग क्या कर रहे, अपने देश के झंडा है दूसरा झंडा फहरा रहे हैं, इनसे ज्यादा दीप तो कोई हो ही नहीं सकता. दूसरा पुलिस पे, हमारे पुलिस के भाई भतीजों पे, हमारी उम्र 70 साल है, भाई भतीजों पे हराको नहीं, ये क्या है, ये दूसरा है, ये दुश्मन है, तो इसलिए उनका भी हम विरोध करते हैं, उनका करने वालों का विरोध करते हैं. भारत के संविधान जी, आपको लगता है कि अब आपका वीएम सिंह जिस तरीके से वापस हो गए हैं और फूट पड़ेगी किसानों के आंदोलन में, आंदोलन कमजोर होगा? अब आंदोलन बिल्कुल कमजोर नहीं होगा, सबसे जीतता है. अन्याय के खिलाफ लाल लक्ष्मण जो ने युद्ध किया था वो जीते थे. द्वापुर में पांच पांडवों ने युद्ध किया था वो जीते थे, और महात्मा गांधी अंग्रेजों से जीते थे. सत्य जीतता है और अपने लिए नाम संभाले वाले लोग और लाल किले पर दूसरा झंडा फहराने वाले लोग, विश्व हमला करने वाले लोग, उन्मत्तता फैलाने वाले लोग, वो करीब से करीब सजा देने के लिए और भारतीय किसान भानु अकेला तन था जी, किसानों के लिए, उनके उनके न्याय के लिए और सरकारों से बात करके अकेला काफी है. मैं भारतीय किसान भानु का. चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया भानु प्रताप जी आपका हमसे बात करने के लिए. इस समय मेरे पास समय की थोड़ी कमी है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए. दैट्स ऑल द टाइम लेडीज एंड जेंटलमैन आई हैव इन दिस एडिशन ऑफ 6 पीएम प्राइम. बिफोर आई रैप अप, आई जस्ट वेरी क्विकली वांट टू टेल यू टू इंपॉर्टेंट थिंग्स. आई वॉज हियर, फर्स्ट ऑफ ऑल, एनीबडी हु टेल्स यू दैट अ खालिस्तानी फ्लैग वॉज अनफर्ल्ड हियर, प्लीज डोंट बिलीव, इट्स एब्सोल्यूट रूमर्स. देयर वॉज ऑफ कोर्स अ रिलीजियस फ्लैग दैट कांट that should have no place, at least at the rampart of the Red Fort, no religious symbol, but there was no Khalistani flag. And number two, the violence that erupted at least at the Red Fort, the police also charged at the protesters. They thought that the protesters are in fact going to damage property and the protesters retaliated. Investigation into those who incited this and also the conduct of the police needs to be thorough, needs to come out very, very soon. Thank you so much for being with us. That's all on 6 PM Prime. I'll see you tomorrow.